हेल्थ से रिलेटेड ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। कोरोना की दवाई आपके शरीर में ही है। कोरोना वायरस की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। जो भी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं वह सिर्फ अपनी इम्यूनिटी, शरीर के स्वयं रोगों से लड़ने की ताकत से ठीक हुए हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि यह बीमारी एक बार तो सबको ही होना है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वह बच जाएगा और जिसकी अच्छी नहीं होगी वह नहीं बचेगा। मतलब ये है वह कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कोरोना की दवाई है, तो यह हमें सारा ध्यान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर देना चाहिए। यदि आप इस महामारी को मात देना चाहते हैं तो हमें यह सीखने की बहुत आवश्यकता है कि किन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है और किन चीज़ों से इम्यूनिटी घटती है। पहले इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों पर ध्यान देते हैं। योगा, व्यायाम या कोई खेल, घर का बना शुद्ध भोजन, आंवला किसी भी रूप में सेवन करें, फल खास कर खट्टे फल खाएँ, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, दूध, दही, लस्सी, घी और तुलसी का भी सेवन करें। इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। शरीर की इम्यूनिटी घटाने वाले चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मैदा सबसे विनाशकारी पदार्थ है किसी भी रूप में, जैसे ब्रेड, नान, भटूरे, बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी वाला इत्यादि बिल्कुल भी ना खाएं। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, पैकिंग वाले चीज़ों ना खाएं या कम से कम खाएं। इस तरह इन बातों को अपनाकर अपना इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग बना सकते हो कि कोरोना को मात दे सको। ध्यान रहे, आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना की दवाई है। धन्यवाद। और इस वीडियो को छोटा सा आप रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल बटन का घंटा भी दबा दो। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो से आपका हेल्प होता है तो इस वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद।